की तर्ज पर युवाओं को यहां पर प्रेरणा मिलेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और एक यहां पर एक आश्चर्यजनक नतीजा भी सामने आ रहा है जिसके कयास बहुत कम लगाए जा रहे थे, वो ये कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनकर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो गई हैं और उन्हें महामंत्री बनाया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस समय जोरों पर है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है उसके बाद से वो उत्साहित हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। नजरिया में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ नजरिया में रूबरू होने के लिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र प्रसाद जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, साथ ही राष्ट्रीय कमेटी में भी आपका ओहदा बड़ा है। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से आपको लोकसभा की कमान सौंपी गई है, यहाँ पर सीधी सिंगरौली का प्रभारी बनाया गया है, ऐसे में कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके? लोकसभा की जिम्मेदारियां तो निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय बावरिया जी ने सौंपा है। इस विषय में हम लोग प्रारंभिक रूप से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीधी के अंतर्गत, चाहे व्यवहारी हो चाहे सीधी सिंगरौली हो, सबसे पहले अपना चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं कि हमारे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडलम स्तर पर, सेक्टर और बूथ स्तर पर कहाँ कौन सी कमियाँ मौजूद हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास में हम लोगों ने सभाएं, मीटिंग्स और उन तमाम जगहों को जहां पर हमको खामियां दिख रही हैं उसे चुस्त और दुरुस्त करने का काम प्रारंभ कर दिया है। यह माना जा सकता है कि इस समय लोकसभा की तैयारियां जोरों पर है। जिस तरह से रीवा आपका, सीधी और सतना, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी कमर कस के चुनाव मैदान में उतरेगी और इस बार कुछ नतीजे उल्टे होने की आशा है? मुझे लगता है कि आपने ठीक ही कहा है। एक तो चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह निश्चित रूप से दुगना है। राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके लाया गया और जिस तरीके से देश नहीं दुनिया के तमाम सारे बड़े मीडिया कर्मी से लेकर के और बड़ी हस्तियां नेताओं में जो हैं उन सब ने जो इस तरीके से उनका स्वागत किया है, उससे तो कार्यकर्ताओं का इस समय उत्साह मुझे लगता है कि सातवें आसमान पर है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के सीमा से लगा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है और खास तौर से रीवा सिंगरौली का जो सीमावर्ती इलाका है, ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी जी का कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा का कब्जा है और भाजपा अपने पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिन मुझे लगता है कि अब पूरे हो चुके हैं। 3 राज्यों के इन चुनावों से फैसला हुआ, पूरे राज्य के लोगों ने और देश के लोगों ने देखा है। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस उत्साह को हमारे कार्यकर्ताओं ने बना करके रखा और कोई कमी उसमें इसलिए नज़र नहीं आती है कि आने वाले समय में जहाँ तक राहुल जी का प्रश्न है वो और तीव्र होगा उनकी दृष्टि। प्रियंका जी आ गई हैं, एक ताकत हमको और मिल रही है और साथ ही साथ इस प्रदेश में चूंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जिस तरीके से किसानों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को, किसानों के अलावा जो हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के बिल हाफ करने की बात जो उन्होंने कही जी। ये कुछ इस तरीके के मुद्दे हैं कि जो मध्य प्रदेश के और देश के जो मतदाता हैं उनको सीधे प्रभावित करने वाले, इसलिए हमारा मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस निश्चित रूप से हम खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरह से प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है और उत्तर प्रदेश से कई दिग्गज नेता हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही संसदीय सीट से ही चुनाव जीत कर गए थे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता हैं, ऐसे में जो प्रभाव होगा प्रियंका जी का, निश्चित ही वहाँ पर बड़ा प्रभाव छोड़कर जाने वाली हैं। इसी बौखलाहट में आप देखिए कि लगातार बयानबाजी हो रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री के बयान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के और कई बड़े भाजपा के नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रियंका जी अब परिवारवाद की राजनीति के साथ वहां पर प्लांट की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम करने की शैली और विशेष करके मोदी जी के काम करने की शैली तो अब इस देश की जनता समझ गई है। ये कितने दिन तक परिवार परिवार की बात करेंगे? अगर परिवार की ही बात करते हैं वो, तो मीसा में पेंशन भले लोगों को मिल रहा हो, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के अगर नाम इस देश में आता है तो कांग्रेस जनों का ही आता है। तो इसलिए परिवार की चर्चा करने में उनको आनंद आता होगा जी, लेकिन कांग्रेस की रीढ़ तो निश्चित रूप से नेहरू परिवार रहा है और वो दिखाई भी पड़ता है, जनता भी उनको हाथों हाथ लेती है। मुझे लगता है शायद चिढ़न का और कुढ़न का भारतीय जनता पार्टी को और मोदी मोदी का ये कारण भी है कि वो जितना भयभीत नेहरू परिवार से हैं उतना शायद भारतीय जनता पार्टी इस समय समूचा दूरदर्शन, समूचे टीवी के चैनल्स, समूची मीडिया, समूचे नेताओं में अगर कहीं आप बैठ जाएं तो एक ही बात की सर्वाधिक चर्चा है कि प्रियंका के आने के बाद में कांग्रेस किस हैसियत पर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है, ये चर्चा का विषय बन चुका है। अगर देखा जाए तो प्रियंका जी पर इंदिरा जी की छवि देखने को मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी का काम करने की शैली थी और उनका जो असर था जनता के बीच, वही प्रियंका गांधी में देखने को मिलता है। तो जनता इस समय इंदिरा गांधी के तौर पर प्रियंका जी को देख रही है। मतलब वो एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी बिखर गई थी और इंदिरा जी पार्टी पर आईं और उन्होंने एकदम से पूरी पार्टी को संगठित किया और देश में उन्होंने सरकार बनाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के विषय में जब बातचीत अपन करेंगे तो हम समय समय पर देखेंगे कि इस तरीके की कठिनाइयां कांग्रेस पार्टी चूँकि सैकड़ा भर से ऊपर वर्षों की हो गई है, ये कठिनाइयाँ आई हैं। प्रियंका जी की माँ जब सोनिया गांधी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी तो उस समय हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन सोनिया जी के बनने के बाद से ही हमने लगातार 6 राज्यों से बढ़कर के 17-18 राज्यों तक में जाकर के कांग्रेस ने अपना शासन सत्ता किया। आज भी अगर हम देखें, अब तो परिस्थितियां राहुल जी ने बहुत कुछ कंट्रोल किया है, लेकिन तब भी प्रियंका जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में केवल और केवल, ये मेरी अपनी निजी राय है, लेकिन प्रियंका जी को केवल और केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी ये सब लगा करके नहीं, प्रियंका जी को मुझे लगता है कि समूचे देश में समय निकाल करके घूमना चाहिए और वो जहाँ जाएंगी वहाँ निश्चित रूप से उनके पहुँचने से जाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल उत्साह बढ़ेगा और जनमानस भी उनको हाथों हाथ लेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती अपना इलाका मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र है और यहाँ पर प्रियंका जी का असर भी देखने को मिलेगा, खासतौर से राहुल जी का भी यहाँ पर असर हुआ और कई सीटों पर उन्होंने अच्छी मेहनत भी की थी, लेकिन वो बात और रही कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर नहीं आ सकी, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में जो असर होगा वो देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि आपसे हम सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका जी के आने से कार्यकर्ताओं का, मैं अभी सीधी के बैठक से ही चला आ रहा हूँ, सीधी में सिर्फ और सिर्फ बैठक में कार्यकर्ताओं ने जब अपनी बात कही तो प्रियंका जी के आने के स्वागत की एक तरीके से बड़ी धूम थी। तो मुझे ये लगता है जैसा आपने कहा कि खास करके हमारा जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है, चाहे वो सतना जिले से हो, चाहे रीवा जिले से हो और चाहे सीधी सिंगरौली से संबंधित हो, यहाँ हर जगह पर उनके आने का स्वागत और उनके आने से कांग्रेस को ताकत मिलने की चर्चा जनमानस में व्याप्त है और मुझे लगता है इसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में दोनों प्रियंका और सिंधिया जी मिलकर वहाँ पर काफ़ी प्रभाव डालने वाले हैं।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो भी एक दो दिन पहले का बयान आया है, बड़े उत्साहित होकर के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस बात को कहा है कि मॉस में खास करके युवा वर्ग में सिंधिया की अपनी एक अपील है और उसका भी दोहन उन्होंने उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश किया है। बिल्कुल, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जो नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं और खास करके लोकसभा में उनका बड़ा व्यापक काम हो जाता है, स्वयं राहुल जी भी चुनाव लड़ते हैं, तो इन परिस्थितियों में अगर उन्हीं के इर्द गिर्द की छवि रखने वाले और उसी तरीके के ताकतवर लोगों का साथ उनको मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उन्हें वो ताकत जिसकी आज आवश्यकता है देश में और कांग्रेस पार्टी को है, वो इन दोनों नेताओं के आने से मिलेगी। और ये सोचा समझा और टाइमिंग के आधार पर, मुझको याद आता है फुटबॉल के एक किक का, ऐसे आप फुटबॉल को मारिए तो वो एक सीमा तक बाल जाती है, लेकिन एक बिंदु होता है कि जहां पर फुटबॉल जमीन को छूती है और प्लेयर के पांव को छूती है, एक साथ अगर लग जाए तो वो गेंद दुगनी ताकत से दूरी तक जाती है। तो ये उसको बोलते हैं टाइमिंग। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जिस टाइमिंग को ध्यान में रख करके प्रियंका गांधी और सिंधिया को ये काम सौंपा है, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और देश की जनता विशेष करके कांग्रेस पार्टी इसके लाभ को आगे चल करके देखेगी। कांग्रेस पार्टी इन दिनों रायशुमारी भी कर रही है, रायशुमारी में क्या खुलकर सामने आ रहा है और किन प्रत्याशियों पर दांव लगा सकती है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि जहाँ तक रायशुमारी की बात मैं आपसे करूँ, ये एक परिपाटी आधुनिक प्रजातंत्र में चुनावी दृष्टि से बहुत आवश्यक हो गया है और इसके तरीके बड़े अलग अलग हैं। कुछ तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना ली जाती है कि यह प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में है कि नहीं है, ये तो एक लोकलाइज होता है, लोकल स्तर पर यह बातचीत चर्चा की जाती है। आजकल यह भी किया गया है कि अन्य राज्य जो इस तरीके के सर्वे वगैरह करते हैं उनको टास्क दे दिया जाता है और उनके मार्फत एक इंडिपेंडेंट राय को लोकबाग सर्वे की दृष्टि से देखते हैं। एक तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जिसका शासन सत्ता जहां बनता है, जैसे हम मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन गई, राजस्थान में हमारी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन गई, जहां हमारी सरकारें बनी हैं वहां पर गुप्तचर संस्थाएं सेवाएं ऑलरेडी हमारे पास मिल जाती हैं, तो उनके मार्फत भी हमको समय समय पर ये सूचनाएं मिलती रहती हैं सरकार में बैठे मुखिया लोगों को कि अमुक आदमी का क्षेत्र में प्रभाव अच्छा है। तो इस दृष्टि से जैसा आपने कहा है कि अब हमारे रिसोर्सेज इतने बढ़ गए हैं कि हम चारों तरफ से प्रत्याशी के विषय में कौन अच्छा होगा, किसके लिए प्रयास किया जाए, किसे टिकट दिया जाए, इन तमाम सारे कामों के लिए अब हमारे पास रिसोर्सेज स्किल ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और मुझे लगता है इसका लाभ 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी निश्चित रूप से लेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजेंद्र जी ने कहा कि अभी तक सिर्फ प्रियंका गांधी अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में और राहुल गांधी के लिए बरेली में, माफ करिएगा, अमेठी में सिर्फ चुनाव प्रचार किया करती थी, लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई है। जैसा कि आपका कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश तक सीमित न रख के पूरे देश में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपना चाहिए, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आएगी। नजरिया में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी सभी बहुत दर्शकों को हम नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।